हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूटी गाइड। आज जरा हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से कुछ जो नए वैकेंसी निकले हैं, जो है एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन लेवल के जो वैकेंसी निकले हैं। तो चलिए उसके बारे में फुल डिटेल से बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस है, क्या डेट है, क्या एग्ज़ाम फी है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट से लास्ट तक हमारे वीडियो जरूर देखें, स्किप मत कीजिए। नया दोस्त सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सारा कुछ का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन पर आप डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2019 को जारी हुआ है। उसके बाद 1 तारीख यानी 1 मार्च 2019 से ये एप्लीकेशन शुरू हुआ है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 यानी कि 31 मार्च 2019 तक इसको आप ऑनलाइन में फिलअप कर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन में, ठीक है। और पेमेंट के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, या फिर SBI या फिर पोस्ट ऑफिस के चालान के माध्यम से आप एग्ज़ाम फी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल दिया गया है आपका जो फर्स्ट CBT टेस्ट है वो हो सकता है जून से लेकर सितंबर 2019 के बीच में, ठीक है। तो और भी बात कर लेते हैं, जो आपका 12 लेवल का है, जो 12 लेवल का आपका पोस्ट होगा, ये सब होगा, ये 1 से लेकर 5 तक आप जो देख सकते हैं 12 लेवल का होगा। और ये जनरल के लिए आपको एज लिमिट होगा 18 से 30 साल, और SC के लिए 5 साल अब ज़्यादा मिलेगा, और OBC के लिए 3 साल और ज़्यादा मिलेगा। और भी एक सर्विसमैन है जिसके लिए भी कुछ छूट दिया गया है यहाँ पे एज में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे है, जैसे कि आपने ग्रुप डी में फॉर्म भरा था वैसे से आपका सब आपको आगे पीछे करके डालना है, जितना भी पोस्ट है चॉइस करके आपको, ठीक है। सेम है ग्रेजुएशन लेवल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल का, टिकट कलेक्टर, ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का है, और इसका सैलरी का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, और मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे इसका देख सकते हैं। और ये जो 12 लेवल का है इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेडिकल लेवल है और इसका टोटल वैकेंसी है, और आपका ये सैलरी मिलेगा जो कि 7 पे कमीशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो आइए और बात करते हैं, थोड़ा नीचे देखते हैं क्या और भी है, बहुत कुछ है, देखते हैं। 721 पेजेस है यहाँ पे नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या है इसमें। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत कुछ है यहाँ पे और भी। अगर ज़्यादा कुछ मैं बोलना लगूँगा तो ये वीडियो शायद बहुत बड़ा हो जाए। तो एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी मैं बोल दिया है, ठीक है। अब एक बार चाहे चेक कर सकते हैं। तो और भी कुछ है आपको दिखाना, जो मेन मेन है दोस्तों वही मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार, OBC और जनरल के लिए यहाँ पे 500 रुपये अब एग्ज़ाम फीस लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप पहला CBT टेस्ट जब अटेंड करेंगे या फिर एग्जाम में आप बैठेंगे, उसके बाद आपको जैसे कि ग्रुप डी में 400 रुपये आपको बैक मिला है, वैसे इसमें भी मिलेगा, लेकिन ये हाल ही में दे रहा है 390 रुपये, ठीक है। तो इसमें भी शायद हो सकता है ऐसे दे दे। और जो SC ST है उसको 250 रुपये यानी कि 250 रुपये आपको चार्ज होगा एग्ज़ाम फी, उसमें से आपको सारा पैसा बैक मिलेगा, यानी कि 240 रुपये तक आपको बैक मिल सकता है, ठीक है। तो ये और पहला CBT टेस्ट होने के बाद दूसरा होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, जो कि गुड्स गार्ड के लिए है। यहाँ पे सारे पोस्ट में सारे कुछ नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट में अलग अलग से ये आपको होगा। आप देख सकते हो पहला जो आपका CBT टेस्ट होगा वो है 90 मिनट यानी 1.5 घंटा समय मिलेगा आपको। ये रहा आपका सिलेबस, ये सिलेबस जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिला के 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएगा, और इसमें से नेगेटिव मार्क रहेगा आपका, 3 गलत करने से आपको 1 नंबर कट जाएगा उसमें से। ये पहला CBT टेस्ट में, और उसका सिलेबस आप देख, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। ये रहा आपका पहला सिलेबस। और CBT 2 का, जो CBT 2 होगा कंप्यूटर बेस्ड 2 एग्ज़ाम, तो उसके लिए आप ये रहा सिलेबस, उसके लिए आपका 1.5 घंटा ही समय मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन होगा आपका 120, और नेगेटिव मार्किंग में 3 गलत करने से 1 नंबर आपका माइनस होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस है 50 का, मैथमेटिक्स 35,
और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा 35, टोटल मिला के 120 हो गए आपका। तो आप देख सकते हैं सारे कुछ यहाँ पे आपको लगभग बोल ही दिया है, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ रियलिटीज कैटेगरी वाइज, तो कुछ कैटेगरीज परसेंटेज दिए गए हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं, 40% जनरल। अब देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है दोस्तों, तो आप बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है, तो चलिए आपको थोड़ा देख दिखा देते हैं कि कैसे आपको ये अप्लाई करना होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 12 लेवल के हैं उसमें आपको क्या होगा, या ग्रेजुएशन लेवल में आपको क्या, उसके सीबीटी टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट है क्या, टाइपिंग टेस्ट है, और आप पोस्ट ईयर्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको बात कर देते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे आपका बोल देते हैं जो आपका इमेज का साइज़ होगा वो होगा JPEG फॉर्मेट में, जो कि 20 KB से 50 KB तक। और आपका जो सिग्नेचर होगा वो होगा 10 KB से लेकर 40 40 KB तक। और जो आप SC ST या OBC होगा उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आप जो अपलोड करेंगे SC ST के लिए, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स होना होगा मिनिमम 50 KB, मैक्सिमम 100 KB तक। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। तो दोस्तों ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि RRB कोलकाता का है। तो आप जोन वाइज आपका जो जोन है वो वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आके न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जाना होगा, उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे आपका जो जोन है, जो RRB है जोन, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करना है। जैसे अहमदाबाद है, उसके बाद भोपाल, चेन्नई, कलकत्ता, पटना, जो भी आपका जैसे भी है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा RRB है देख सकते हैं, ठीक है। बेंगलुरु, चंडीगढ़, जम्मू श्रीनगर, मुजफ्फर, सिलीगुड़ी में है, कोलकाता में भी है, तो जो भी आपका है। तो मान लीजिए आपका सिलीगुड़ी है, तो सिलीगुड़ी सिलेक्ट करने के बाद ऐसा एक पेज आएगा जो फर्स्ट आपका कम्युनिटी जो है आपका किस कैटेगरी में आप कह सकते हैं, 12 पास है, ग्रेजुएशन लेवल, आप चाहे 12 पास करके अगर 12 दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो कास्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरल है, SC ST जो भी है। उसके बाद आप PWD है, यस और नो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेक एबिलिटी में यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद एक नया पेज आएगा, तो सेम है, सेम प्रोसेस है। उसके बाद ऐसा एक पेज आएगा जिसमें भी पोस्ट वाइज कौन कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है, किस पोस्ट में, सब देख सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको चेक एबिलिटी में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नया और पेज आएगा जिसमें आपका सारा कुछ डिटेल्स में भर के आपको देना होगा यहाँ पे चेक एबिलिटी में, क्लिक करना होगा यहाँ पे। करने के बाद एक नया पेज आएगा जिसमें आपका RRB लिखा रहेगा, पे जैसे हम सिलीगुड़ी लिखा है, सिलीगुड़ी में किए थे। तो उसके बाद आप इधर आएंगे तो यहाँ पे सिलीगुड़ी का जो अप्लाई प्रोसीजर है वो ऐसे अप्लाई लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद वो नया पेज आएगा जिसमें आप फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक कीजिए, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, में शेयर भी करिएगा। मेरा एक नया चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप वो चैनल भी देख सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद दोस्तों।